नमस्कार फरीदाबाद मैं सौरभ भारद्वाज आप सभी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हम लोग पहुंचे हैं किशन ठाकुर जी के आवास पर अभी अभी टिकट फाइनल हुई है अब बीएसपी ने टिकट दे दिया है ठाकुर साहब नमस्कार कर दिया आज नमस्कार जी सौरभ जी आपका भी धन्यवाद क्योंकि मीडिया भी हिंदुस्तान राजनीति में प्रदेश की राजनीति में तो चौथा तारम है बीजेपी से राजपूत नाराज हो रहे हैं और बी राजपूतों को टिकट दे रही है भाई हम तो बहन जी का धन्यवाद करते हैं देखो पीछे इन्होंने बीजेपी ने तुम्हें बताओ कन्नाल की तरफ कितने ठाकुर भागा भागा के मारे हैं अभी तक कई इनके पलस्तर नहीं खुले हैं तो हम तो आपके बीजेपी को वोट डालेंगे नहीं ना हमारे कोई लोग डाल ले पूरे हरियाणा में या यूपी में आपका इनको प्रसाद मिल जाएगा बीजेपी को अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से प्रत्याशी हैं किशन ठाकुर जी यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी हो गए हैं आज घोषणा हो गई है किशन जी अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि अब तक यहाँ इस सीट पर जो सबसे ज्यादा बीएसपी को वोट पड़े हैं वो पड़े हैं चेतन शर्मा को एक लाख तेरह हजार वोट उसे कितनी कहाँ तक हम दूर करेंगे कहाँ तक उसको पार करेंगे ये बड़ा सवाल है ऐसा है सौरभ जी के पिछले दस साल पहले लड़े थे शर्मा जी और दस साल का जो गैप है आज लोग बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी नाराज़ हैं जहाँ आप खड़े हो ये 89 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पहले सीमेंटेड सड़क होती थी आज टैल लग रही हैं और फरीदाबाद में खासकर बेरोजगारी बहुत है दूसरा महंगाई बहुत है जब से बीजेपी सरकार बनी है भाई मेरे को मेरा मानना है जनता कह रही है जनता भी भगवान का रूप है नौ विधानसभाएं हैं नौ विधानसभाओं में पिछले दस साल से कोई काम नहीं हुए किसान परेशान है सात सौ किसानों ने आत्महत्या कर ली है और मजदूर परेशान है महंगाई चरम सीमा पे पहले पांच सौ रुपए का सिलेंडर था आज जो है एक हजार रुपये का सिलेंडर है पहले बीस रुपए के लिए कुछ चीनी थी देखो ना आप आज गऊ माता है हमारी आप पूरे लोकसभा में चले जाओ बेचारी पोलोथीन को खाती हैं ये कह रहे हैं भाई समाज सिटी बनाई है कहाँ है समाज सिटी पता तो लगे इनकी मंत्री जी की किशनपाल जी की कहां है भाई अट्ठाईस उनती तीस पुराने तो दोस्त हैं आप कहते नहीं हैं भाई देखो बात सुनो मेरा तो सब दोस्त हैं मेरे कांग्रेस वाले भी दोस्त हैं बीजेपी वाले भी दोस्त हैं लड़ाई मेरी किसी से नहीं है लड़ाई सिर्फ विकास की है और महंगाई की बेरोजगारी की मेरे को बहन ने टिकट दी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं नौ विधानसभाएं हैं दो लाख वोटों से हराऊंगा चाहे बीजेपी का कोई लड़ लो चाहे कांग्रेस का लड़ लो दो तो लाख वोटों से चुनाव हराएंगे ये ये वादा कर रहे हैं आज अपने तमाम जो शुभचिंतक थे समर्थक थे उनके साथ मौजूद थे और बड़ा जलसा था हजारों थे पंच सरपंच थे असल में क्या है जो बीजेपी है खासकर और जो हमारे केंद्र मंत्री हैं वो ये दबाव की राजनीति करते हैं आप मुझे एक बार बताओ जिगे जिगे इनके ऑफिस खुल रहे हैं कौन खोल रहा है ऑफिस कैंडिडेट एक विधानसभा में पांच कैंडिडेट ऐसा कभी नहीं अब टिकट मिलेगी एक चार कैंडिडेटों का क्या होगा जो पचा, पचास पचास लाख रुपए बेचारे लगा रहे हैं तो ये तो, तो, तो देखो बड़ी पार्टी है बीजेपी के से लोग खुश हैं इसलिए ज्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं लोगों को लगता है कि हमारा भविष्य बीजेपी में है बीजेपी में राजनीति करेंगे तो जीत जाएंगे सौरभ जी मैं आपकी बात मानता हूँ मगर टिकट तो एक को मिलेगी ना चार लोग कैसे करेंगे जो आदमी पचास लाख या साठ लाख एक करोड़ रुपए लगा देगा बिचारा पांच छह महीने में उसका क्या होगा तो इनकी देखो जिला अध्यक्ष को खोलना चाहिए कार्यालय अगर ये खोलना चाहते हैं तो एमएलए खोल सकता है विधानसभा में अपनी में नौ विधानसभा है आठ एम तो इनके ही है उन्हें खोलने चाहिए कृष्णपाल साथ जी। ही तो हैं इनके साथ नहीं आठ हैं जी नैनपाल जी तो इन इंडिपेंडेंट है चलो आज की डेट में उनके साथ हैं उन समर्थन है तो आठ ही लगाओ कायदा तो यह आठ लगे आप मुझे एक बार बताओ आठ विधानसभाओं में देखो पिर्थला में खुल लें छह कैंडिडेट हैं पलबल में खुलें छह कैंडिडेट हैं सात कैंडिडेट है बल्कन सात कैंडिडेट एक विधानसभा में उन उनपे ऑफिस खुलवा रहे हैं भाई बीजेपी अपने कार्यालय पे ऑफिस खोले या एमपी ऑफिस खोले ना तो बिजनेस देखो सुनो ये ये डीलर हैं जो ये लड़, चुनाव लड़ रहे हैं और और भी जिनके नाम चल रहे डीलर हैं लीडर है नहीं इन्हें बताओ ये तो डीलर हैं टॉप डीलर ने हैं। बड़े नेता है कृष्णपाल जी आप डीलर कह रहे हो टॉप के डीलर हैं एक हजार किले नहर पार बेचे एक हजार किले किसने मंत्री जी ने ले लेके बेचे ले, ले खरीद खरीद के तो ये तो बहुत बड़े डीलर है ये लीडर नहीं है भाई डीलर पे आदमी होते हैं पर सरमादार एक परसेंट आज हम पे निन्यानवे परसेंट लोग हैं निन्यानवे परसेंट तो आप देखना ना भाई जनता में आप जाते हो जनता से पूछो कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी या बसपा जीतेगी और चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की लगातार कोशिश होगी हमने एक सवाल पूछा था अभी फरीदाबाद में अब तक बी के टिकट पर सबसे ज्यादा जो वोट हैं वो चेतन शर्मा को मिले दस साल हो गए हालांकि चेतन शर्मा को तो वो कह रहे हैं कि उसको भूल जाइए आप आप याद रखिए कि बीएसपी का कैंडिडेट जो है वो दो दो लाख वोटों से जीतेगा यहां से कैसे कैसे क्या समीकरण है देखो जी ऐसा है हमारी जो वोट है चार लाख वोट है हमारे बैकवर्ड भाई हरिजन भाइयों की और ढाई लाख हमारी है और ब्राह्मण है मतलब छत्तीस बिरादरी में मैं नया तो हूं नहीं पहले ये जो नाम मंत्री हैं या विधायक हैं कोई भी हो दोनों तीनों में जिनके नाम कांग्रेस के भी चलने ये अपनी विधानसभा छोड़ के कभी नहीं गए मेरे सामने खड़े करके कर बात कर लो अब मंत्री जी अब जा रहे हैं भाई पिछले छह सात साल तक मंत्री हैं दस साल हो गए तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं दस साल से सा मंत्री हैं पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा में भी रहे ये अब जा रहे हैं अपने अपनी विधानसभा छोड़ के कोई नहीं गया किशन ठाकुर पिछले चालीस साल से नौ की नौ विधानसभा में जाता तो जनता भगवान का रूप है ऊपर भगवान है नीचे जनता पहला नौरा था माता रानी का तो आप देखना क्या होगा वोटर हमारा छत्तीस बिरादरी का वोटर और खासकर जो अपर कास्ट हैं वो तो सौ परसेंट हमारे साथ हैं और बसपा हमारे साथ है ही बसपा ने टिकट दिया बहन जी ने हमें तो बसपा राजपूत समाज जो है वो अब बीजेपी से छटक गया है छटक गया देखा नहीं देखो पार्षद के चुनाव हुए थे सौरभ जी पचास में थे एक सीट भी नहीं पैंतालीसों में तो एक सीट नहीं चालीस में से हाँ चालीस में से एक सीट नहीं अब ये पचास बना रहे इनमें तो भी एक सीट नहीं मिलेगी ये तो क्या यार कैसा लोगे दो साल हो गए फालतू राजपूतों को नहीं दी तो फिर टिकटें दी किसको इन्होंने पता नहीं अपनी बिरादरी को दींगी किसको दी हमें क्या पता तुम देखो इन्हें बुझो आप पब्लिक में जाते हो किसको दिए किसको ना दिए इनको पता करो ना हमारी बिरादरी को नहीं मिले अनदेखी हुई है हमारे साथ तो और आज भी हो रही है देखो हर आदमी अपने अपने समाज की बात कर रहा है मैं आपको छत्तीस बिरादरी की बात कर रहा हूं ब्राह्मण भगवान की कृपा से सत्तर परसेंट मेरे साथ रहेगा और दलित भाई सबरे बैकवर्ड भाई सब मेरे साथ हैं राजपूत दो लाख चालीस हजार के करीब है दो लाख वोट आपको लेके दिखाऊंगा तो छत्तीस बिरादरी मेरे साथ है बंसीवाला मेरे साथ है माता रानी मेरे साथ है बालाजी महाराज मेरे साथ है जब भगवान साथ होता है ना ये भी भगवान का रूप आप लोग भी सब जो खड़े हैं ये भी प्रभु का रूप है जी, बात कर ले क्या शुभ नाम आपका मेरा एम के पांडे पांडेष कुमार पांडे पांडे जी बड़ा समीकरण बन रहा है राजनीति नहीं बहुत अच्छा है हम साथ में हैं हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा एक भाई जो है टिकट ले आया टिकट मिल गया हम उसको जिताएंगे भारी अंतर वोटों से जिताएंगे हम जी क्या नाम आपका मेरा मनीष पांडे जी पांडे जी जी मैं तो इतना खुशी क्या बस मैं तो यही कहूँगा कि इनकी चालीस साल की जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई है और अब हमारा यही प्रयास रहेगा इनको भारी मतों से विजयी बनाए बस यही हमारा प्रयास रहेगा जी क्या शुभ आपका मेरा नाम भगत सिंह है जी और मैं जो कह रहा हूँ जो यहाँ का भ्रष्टाचार की जो सरकार रही है इन्होंने कोई काम नहीं किया लोगों के राशन कार्ड लैंड में लगे रहे कार्ड फलाना कार्ड फलाना कार्ड काम कोई हुआ नहीं विकास कुछ हुआ नहीं तो लिया है प्रॉपर्टी आईडी। हाँ ये आई डी बार बार बनवाओ लोगों को अब क्या राशन कार्ड कट गया अब क्या ये हो गया इसी में पब्लिक लगी रही इसीलिए बीजेपी से लोग नाराज सब चोरों के हटा दिया हमने हाँ, राशन कार्ड हाँ चोरों के नहीं हटाए सब ठीक ठाक के गरीबों के हटाए रईसों के हैं रईसों के, है, के लिए सब कुछ है गरीबों के लिए कुछ नहीं है जिनको होना चाहिए इसलिए ये इस सरकार फेल हो चुकी है और ज्यादा से ज़्यादा इनकी जमानत जब्त करवा के छोड़ेंगे जमानत जब्त किसकी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त करवा कर छोड़ेंगे फरीदाबाद ये सुन रहे हैं आप और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद